फ्रेंड्स प्लीज हरी मिर्ची मत डालना, तीखा लग गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है टमाटर, साथ में लिया है मैंने प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च ली है मैंने। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपनी सब्जियाँ काट ली, तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है, ज़्यादा एकदम महीन नहीं किया है, मीडियम साइज का काटा है। और ये टमाटर अलग से काट के रखा है। सो फ्रेंड, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने उड़द और चने की दाल ली है, और इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल के मैं इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपना ये उड़द चने की दाल का बैटर तैयार कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें भिगाई हुई सूजी ऐड कर रही हूँ, सूजी रवा जो भी आप इसको बोलते हो वो ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया, अब मैंने इसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए ज़्यादा पतला नहीं किया है, मीडियम थिक बैटर रखा है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक तवा गरम कर लिया और मध्यम आंच पे रखा है मैंने इसको। अब मैंने इस पे रिफाइन ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम अपना बैटर पोर करेंगे, और बैटर हम लोग थिक रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बैटर को थिक रख रही हूँ, पतला नहीं बनाना है क्योंकि ये चीला नहीं है। ये मैं तवा पिज्ज़ा टाइप की रेसिपी बना रही हूँ, मैंने इसका नाम तवा पिज्ज़ा दिया है, तो ये मोटा बनेगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी सब्जी प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब देखिए, प्याज टमाटर वगैरह डाल प्याज शिमला मिर्च डालने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे, उसके बाद फिर इस पे कुछ मसाले डालेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 मिनट बाद हमारा ये लगभग रेडी हो गया है तवा पिज़्ज़ा, और अब हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर ही में लाल मिर्च को पीस के तैयार किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इस ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। अब मैं इसको ढक के थोड़ा सा और पका लेती हूँ, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये तवा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। फ्रेंड्स ये एकदम हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। मेरे पास चीज़ नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आपके पास चीज़ हो, ऑरेगानो हो तो वो सब आप ऐड करके और इसको टेम्पटिंग बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा एक पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा सेम प्रोसेस से बना लेती हूँ, आप लोग वॉच कर लीजिए एक बार फिर डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और एक टिप दूँगी, आप मसाले पहले मत ऐड करना, इसके आधा पकने के बाद ही ऐड करना, नहीं लुक ख़राब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने तवे पिज़्ज़ा को प्लेट में लगा लिया है, और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट के पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है, और इतना हेल्दी है क्योंकि आप जानते हैं इसमें सारी हेल्दी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप भी ट्राई करें। अब देखिए, मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड कर दिया है, और मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए ये अंदर से कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लग गई क्योंकि डबल मिर्च पड़ गई थी। मुँह जल गया, उई मम्मी ने 3-3 मिर्ची डाली है, मुँह जल गया, पानी दे, उई मुँह जल रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये तवा पिज़्ज़ा की हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।